हेलो एवरीवंस, वेलकम टू ओपन ओपन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स देखे थे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो इम्पोर्टेंट थे, और आज इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उसके इवोल्यूशन से रिलेटेड जो है पार्ट 1। और इसमें हम बेसिकली पंचशील के बारे में पढ़ेंगे। पंचशील जो हमारा, हम आज़ाद हुए थे जब, तब हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, उनका एक तरीके से ये आइडियलिस्टिक अप्रोच के तहत पंचशील का सिद्धांत को डेवलप किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड को इंडियन फॉरेन पॉलिसी के समझ लेते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में हम आज़ाद हुए थे और एवरीवन नोस, एंड 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो आज़ादी के बाद हमारे जो सामने चुनौतियां क्या थी, एक तो हम नए नए आज़ाद हुए कंट्रीज थे, तो हमारा पूरे पूरा पुनर्निर्माण करना था, और जो सबसे बड़ी सुरक्षा से संबंधित थी, सिक्योरिटी से संबंधित, सिक्योरिटी हमारी जो है नेशनल इंटीग्रिटी, ठीक है, और सॉवरेंटी, इन सबको खतरा था। किससे खतरा था? तो उस समय जो है कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर, दुनिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरी थी कि दो महाशक्तियों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। फिर क्या हुआ कि इनके बीच में हमारा जो, हम आजाद हुए थे तो हमारे सामने हमारी सिक्योरिटी को लेकर के ज्यादा चुनौती थी कि हम खुद को सिक्योर रखें। हमारे बगल में हमें चाइना था, चाइना जो है एक साम्यवादी कंट्री था, ठीक है। तो और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो पाकिस्तान ने भी 1948 में क्या किया था, 1948 में हमारे ऊपर हमला कर दिया था, कश्मीर के ऊपर, ठीक है। कब ही हमला हुआ था, उसके बाद से कश्मीर को हमारे जो है भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। तो ये सब सिनेरियो उस समय पे चल रहा था, और नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, और आज़ादी से पहले भी, ठीक है, नेहरू जी ने विदेश नीति के संबंध में जो है काफ़ी कुछ अपने दृष्टिकोण व्यक्त किया था, और वो समाजवादी अप्रोच से वो भी प्रभावित थे, ठीक है। तो इन सब का मिला जुला स्वरूप रहा कि हमारे जो नेहरू के काल की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो क्या थी, आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक लिस्टिक फॉर आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे थे, और ये आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी का जो आधार था वही था हमारा पंचशील, पंचशील, ठीक है। ये एक तरीके से बुद्धिज्म से लिया गया था पंचशील के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कब तक चला था? नेहरू जी हमारे 1965 तक थे, उसके बाद उनकी डेथ होने के बाद 1964 में उनकी डेथ हो गई थी, सॉरी 1971 में, 62 में चाइना ने क्या किया था, हमारे ऊपर हमला कर दिया था। उसके बाद से हमारा इस पंचशील पर से एक तरीके से विश्वास उठने लगा, तो हमारे जो नीति नियंता थे उस टाइम पे, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था, तो उसके बाद से हम रियलिस्टिक जो है फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। रियलिज्म का प्रभाव हमारे फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देगा, इंदिरा गांधी जी आएंगी, फिर 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कराया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से भारत की विदेश नीति में परिवर्तन भी दिखाई देंगे 1998 में भी, परमाणु परीक्षण किया गया। तो ये एक तरीके से आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ भारत का दृष्टिकोण होने लगा था, क्योंकि जो हमारा पंचशील था उसकी वजह से भी हम अपने आप सिक्योरिटी, हम अपने आप को सिक्योर नहीं रख पाए थे। चाइना ने हमारे ऊपर एक तरफा युद्ध कर घोषणा कर दिया था 1962 में, और बेसिकली ये पंचशील का जो समझौता हुआ था ये चाइना के साथ ही हुआ था। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है पंचशील। जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स थे, मेकर्स अंडरस्टूड द लिंकेजेस बिटवीन पीस एंड डेवलपमेंट, उनको ये मालूम था कि जो शांति है और विकास है उसके बीच में अंतर संबंध है, यानी कि अगर शांति रहेगी तो ही डेवलपमेंट होगा और सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड,
आदमी तभी तो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, ठीक है, जब शांति रहेगी, विकास रहेगा, तभी आदमी का विकास होगा। और इन व्यू ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द टू वर्ल्ड वॉर्स, दो विश्व युद्धों के बाद से जो भी विध्वंस फैला था, उनको यह रियलाइज हुआ कि विकास के लिए, कि किसी भी देश के विकास के लिए, ठीक है, एक ऐसा विश्व शांति की आवश्यकता है जो लंबे समय तक चले। और बिना विश्व शांति के, विदाउट ग्लोबल पीस, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी पुश्ड टू द बैकग्राउंड। और बिना जो है इस तरीके की वैश्विक शांति के, सामाजिक और आर्थिक जो विकास है, ठीक है, वो पृष्ठभूमि में चला जाएगा। इसलिए जब हमारे जो भारत की विदेश नीति के फाउंडर थे नेहरू जी, ठीक है, उन्होंने विश्व शांति को सबसे ज्यादा महत्व दिया अपनी विदेश नीति में, ठीक है। उनके लिए इंडिया डिजायर्ड पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशंस, भारत को शांतिपूर्ण और जो है दोस्ताना संबंध चाहिए था विथ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के साथ, और विशेष रूप से जो बड़ी शक्तियां थी, बिग पावर्स थे, और हमारे जो पड़ोसी देश थे उनके साथ हमको जो है शांतिपूर्ण क्या चाहिए था, संबंध चाहिए था। अब देखते हैं कि इन्हीं के पृष्ठभूमि में पंचशील का डेवलपमेंट हुआ। पंचशील क्या था? पंच मतलब पांच, शील मतलब आचरण, ठीक है, पांच ऐसे आचार या आचरण हमने अडॉप्ट किए थे। ये एक सिद्धांतों का समूह था, ठीक है, जो कि राष्ट्रों के बीच में संबंधों को प्रशासित करेगा या गवर्न करेगा। और बेसिकली ये इवॉल्व, ये आया कब, ठीक है, इंडिया और पीपल्स रिपब्लिक्स ऑफ द चाइना के बीच में जो बातचीत चल रही थी 1954 में, ठीक है, उसी दौरान ये सामने आया, उसी दौरान इसका उद्भव हुआ पंचशील का। और ये जो प्रिंसिपल थे पंचशील के, बाद में इनको बार्डुंग डिक्लेरेशन के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, जो कि एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1955 में इंडोनेशिया में, ठीक है, उससे जोड़ दिया गया था। और फिर ये प्रिंसिपल जो है नॉन अलाइनमेंट यानी गुटनिरपेक्षता के भी सिद्धांत बने, केंद्रीय सिद्धांत बने। और अभी भी इंडिया की जो विदेश नीति है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स से क्या करती है, मार्गदर्शन प्राप्त करती है। तो ये जो था वो बेसिकली पंचशील का एक उद्भव था। अब पांच पंचशील क्या थे ये देखते हैं हम यहाँ पे। एक तो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता है, उसका आदर करना है। मतलब जो भी देश पंचशील के सिद्धांत को अपने विदेश नीति, अपने समझौते में रखेगा, उसको जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता है एक दूसरे की, उसका आदर करना होगा। और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन अगेंस्ट एनीवन, और किसी के भी प्रति, ठीक है, आक्रामकता की नीति नहीं अपनानी है, यानी एक देश दूसरे देश के भी खिलाफ जो है कोई भी आक्रामकता की नीति नहीं अपनाएगा। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में, ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना है एक दूसरे के आंतरिक मामले में। इक्वालिटी एंड म्यूचुअलिटी, म्यूचुअल बेनिफिट, समानता और आपसी लाभ, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। और उसके बाद से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये जो थे पांच क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से, ठीक है, एक तो है कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आदर करना है। दूसरा है किसी के भी प्रति आक्रामक नीति नहीं अपनाना है। तीसरा है किसी के भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। चौथा है समानता और आपसी लाभ। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये जो थे पंचशील के पांच सिद्धांत थे जिनको हमने एडॉप्ट किया था। अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं, ठीक, तो अब विश्लेषण में अगर देखा जाए तो द पंचशील एग्रीमेंट बिगेन टू ब्रेक डाउन व्हेन द दलाई लामा एंड हिज फॉलोअर्स वेर गिवन असाइलम इन इंडिया ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स।
माना जाता है कि जो पंचशील के सिद्धांत थे वो उस समय से टूटने लगे थे जब इंडिया ने दलाई लामा को भारत में शरण दिया था, ठीक है, मानवीयता या मानवीय आधारों पर। और अगर कहा जाए चाइना के लिए, तो दिस एज फार एज चाइना वाज कंसर्न्ड वाज अ वायलेंट वायलेशन ऑफ वन ऑफ द फाइव प्रिंसिपल ऑफ द एग्रीमेंट, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। चाइना का कहना था कि आपने जो है जो पंचशील का समझौता हमारे बीच में हुआ था उसके उसके एक सिद्धांत पर का जो है अवहेलना किया है। मतलब किसका अवहेलन किया है? म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की जो सिद्धांत है उसका आपने उल्लंघन किया है, अवहेलना किया है। चाइना ने ऐसा इंडिया के ऊपर ब्लेम रखा, ब्लेम लगाया। तो फिर भीमराव अम्बेडकर उस समय जो थे उन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया था इसका, हमारी जो राज्यसभा थी, और उसमें क्वेश्चन भी पूछा था उन्होंने कि हाउ सीरियसली डिड द चाइनीज टेक द प्रिंसिपल्स ऑफ द पंचशील, मतलब कितना गंभीरता से पंचशील के सीरियस को लेते हैं चाइनीज, ठीक है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा था द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल के को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो सिद्धांत था वो तो चाइना के द्वारा पहले ही वायोलेट कर दिया था, उसका उल्लंघन कर दिया गया था जब चाइना ने क्या किया था, तिब्बत पर आक्रमण किया था, तिब्बत पर हमला किया था। उसी समय चाइना ने ही जो है ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या कर दिया था, वायलेट कर दिया था। वाइल इंडिया एग्रीड टू द प्रिंसिपल्स, चाइना शोड एन इनकंसिस्टेंट एंड कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड बाई एग्रींग विथ मेनी रिजर्वेशंस। जब इंडिया इस पर जो है सहमत था इन सिद्धांतों पर, चाइना ने जो है व्हाइल इंडिया एग्री टू प्रिंसिपल चाइना शोड एन इनकंसिस्टेंट एंड कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड, मतलब वो इस पे कायम नहीं रहता था, वो इसमें विरोधाभासी, उसके व्यवहार में भी विरोधाभास दिखाई देता था कई सारे जो जगहों पे। तो इसलिए 5 सालों के 5 दशकों के बाद, सो 5 decades ऑफ नो वार, जो 5 जो 10 दशक जो है बिना युद्ध के चाइना रहा था, ठीक है, इसको किस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जो युद्ध के खर्चे थे वो ज्यादा थे, तो चाइना युद्ध नहीं करना चाहता था, ठीक है। और इसलिए नहीं चाइना ने युद्ध मतलब भारत पे हमला नहीं किया, क्योंकि वो इन पंचशील के सिद्धांतों को फॉलो करता था, जबकि इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको जो है लगा कि जो कॉस्ट है युद्ध का वो ज्यादा है, ठीक है, वो शांति का कोई प्रेमी नहीं था, शांति से उसको कोई मतलब नहीं था। इसलिए चाइना ने क्या किया, इंडिया पे हमला नहीं किया 5 दशकों तक। अब अगर बात करें जो हाल के ही कुछ संघर्ष हुए थे डोकलाम वैली में, जैसा कि आपको मालूम होगा 2014 में, ठीक है, और जो लद्दाख इंकर्जन था, लद्दाख में जो घुसपैठ था 2020 में, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ के जो है जान सैनिकों की भी कुछ हत्याएं हुई थी दोनों तरफ के, ठीक है, जो लद्दाख इंकर्जन हुआ था। और डोकलाम जो है काफी आपने चर्चा इसके बारे में सुना होगा, डोकलाम के बारे में 2014 में हुआ था, और इसमें क्या था कि जो डोकलाम रीजन है भूटान के पास, जो कि एक ट्राई जंक्शन पे पड़ता है इंडिया भूटान और इंडिया भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, जो हमारा चिकन नेक है, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिससे हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, उसके काफी नजदीक है, मतलब काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है ये डोकलाम वैली, ठीक है। यहाँ पे चाइनीज जो थे भूटान भूटान के इंटरेस्ट को प्रभावित करना चाहते थे, तो इस पर कब्जा करते थे, तो इंडिया ने आगे बढ़ करके उनको रोका था यहाँ पर, ठीक है, और भूटान के फेवर में उन्होंने चाइना से कंफ्रंटेशन किया था। तो ड्यू टू द रिसेंट क्लैशेस, अभी डोकलाम वैली और लद्दाख इंकर्शन जो हुआ था 2020 में, इट हैज वाइडली स्पेकुलेटेड बाई डिफेंस एनालिसिस, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं
विश्लेषक हैं उनके द्वारा ये माना गया कि दैट द टाइम हैज कम, कि वो समय आ गया है कि हम जो पंचशील का सिद्धांत है उससे आगे बढ़ के सोचें, ठीक है, और इसी से जो है दोनों को लाभ होगा। मतलब कि अब पंचशील के सिद्धांत पर हम कब तक मतलब इस तरीके के आदर्शवादी नीति को का अनुसरण करते रहेंगे। चाइना की जो पॉलिसी रही है हमारे बॉर्डर पे वो शुरू से ही क्या रही है, प्रोवोक करने वाली रही है। जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में बॉर्डर्स के, वो शुरू से ही क्या रही है, प्रोवोक करने वाली रही है। वो हमेशा चाइना जो है अरुणाचल के कुछ हिस्सा को चाइना अपने अपने भाग के रूप में दिखाता है, ठीक है। स्टेपल वीजा का केस हुआ था जो अरुणाचल के लोगों के साथ, कश्मीर में जो है लद्दाख में वाले रीजन में अक्साई चीन का जो मामला है, ये सब चाइना के जो है एक तरीके से पंचशील के सिद्धांत को न मानने का एक दृष्टिकोण दिखाई देता है। जब 1962 में आक्रमण किया गया था चाइना के द्वारा और चाइना ने अक्साई चीन को भी कब्जा में कर लिया था। और दूसरा जो सीपेक है, सीपेक अभी कहाँ से जा रहा है, सीपेक पीओके से जा रहा है, पीओके को इंडिया जो है अपना पार्ट मानता है, ठीक है, यहाँ से चाइना एक कॉरिडोर लेकर के जा रहा है, ठीक। ये भी एक तरीके से क्या है, वायलेशन ही है जो पंचशील का सिद्धांत है। इन कंट्रास्ट ऑफ प्रीवियस कन्फ्रंटेशंस इंडिया हैज बीन प्रोएक्टिव एंड एग्रेसिव इन इट्स पोस्चरिंग इन डोकलाम। मतलब पहले के जो कॉन्फ्रेंटेशन होते थे उसमें इंडिया का था, क्या था, डिफेंसिव हो जाता था, ठीक है, लेकिन अब के जो कॉन्फ्रेंटेशन होते हैं वो उसमें क्या है, इंडिया इंडिया एग्रेसिवनेस दिखाता है। जैसे डोकलाम में देख लो, लद्दाख में देख लो, अब चाइनीज सैनिकों को जो है पीछे हटना पड़ा। चाइना को भी डोकलाम में ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जो है इस तरीके से खड़ा होगा सामने, तो चाइना के लिए एक तरीके से ये एक नया अनुभव था जो भारत की बदलती हुई विदेश नीति को दर्शाता है डोकलाम में और लद्दाख में। लद्दाख में भी हमारे सैनिकों ने काफी वीरता से लड़ाई लड़ी थी और उनको जो है वो जो लेक है पोंगयोंग लेक, वहां पे इनको पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। एंड दिस न्यू फाउंड असर्टिवनेस ऑफ इंडिया हैज लेफ्ट चाइना स्टम्बलिंग फॉर ए गैम्बिट। मतलब पीछे चाइना को एक तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया इंडिया ने कि अब चाइना जो है अपनी जो नीतियां हैं उसमें बदलाव करे। अब हम बात करते हैं कि पेंसिल का फिर भी क्या जो है रिलेवेंस हो सकता है, क्योंकि पेंसिल हमने तो अब पेंसिल के बहुत सारे जो सिद्धांत थे, पेंसिल के जो पांच सिद्धांत हैं उसमें से कुछ से हमने भी कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, क्योंकि हमारी जो अप्रोच था फॉरेन पॉलिसी को लेकर के वो रियलिस्टिक की तरफ बदला। तो ये सवाल उठते रहते हैं कि पंसील का रिलेवेंस क्या है, फिर प्रासंगिकता क्या है, क्यों पंसील को अभी भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये रिलेवेंस ऑफ द पंचशील। आज जो पंसील प्रिंसिपल्स हैं उनका क्या रिलेवेंस है इंडिया की जो स्वतंत्रता है, जो संप्रभुता है और जो क्षेत्रीय अखंडता है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखने में आज भी पंचशील की उतनी ही बड़ी भूमिका है। और जो क्षेत्रीय शांति के लिए आप मानो कि जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का है, नॉन इंटरफेरेंस का है, ठीक है, जो भी ये सिद्धांत हम अडॉप्ट करते हैं उनका महत्व तो आज भी उतना ही बना हुआ है। और पंचशील इज नीडेड टू प्रोटेक्ट स्टेब्लिश रिलेशंस विच आर डिमेंसिंग विथ सम कंट्रीज एट इक्वल फूटिंग। पंसील जो है कुछ ऐसे कंट्रीज के साथ जो है जो हमारे समान विचारधारा वाले कंट्रीज हैं उनके साथ संबंधों को बनाए रखने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। पंसील के सिद्धांत का ही प्रयोग करके जो है क्षेत्रीय अखंड क्षेत्रीय जो है शांति को भी स्थापित किया जा सकता है। जो साउथ एशिया रीजन है वो काफी अनस्टेबल रीजन है, अगर पंचशील के सिद्धांत सारे कंट्रीज फॉलो करेंगे तो इससे बेहतर कोई सिद्धांत नहीं लगता है क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने के लिए। और इसमें क्या होगा कि दो सारे देश जो है आपस में एक दूसरे का हेल्प करेंगे
और इससे दो सारे देशों की एक दूसरे के साथ हेल्प करने का मतलब है कि उनका जो आपसी संबंध है वो तो इम्प्रूव होगा ही, परस्पर जो है विकास भी होगा दोनों सारे देशों का। नेक्स्ट, इट होल्ड रिलेवेंस टू रिड्यूस टेंशन इन द रीजन। ये जो है इस क्षेत्र में जो तनाव है उसको कम करने में भी काफी महत्व रखेगा, एंड रिड्यूस थ्रेट ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड वॉर्स, जो एक तरीके से तानातानी हो जाती है देशों के बीच में और जो युद्ध होते हैं, ठीक है, उनको भी कम करने में इसका काफी बड़ा रोल हो सकता है पंचशील का। तो इसलिए ये इस मामले में भी रिलेवेंस है। पंचशील तो एक तरीके से आदर्श है, तो आदर्श तो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है, चुनौतियां बदलती हैं लेकिन आदर्श कैसे बदल सकते हैं। तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में पंचशील के जो हमारी सॉफ्ट पावर पॉलिसी है उसमें पंचशील का काफी बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रोल हो सकता है। हमारी जो सॉफ्ट पावर फॉरेन पॉलिसी है उसमें पंचशील एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज भी वो हमारे पूरी विदेश नीति का एक आधारशिला निर्मित करता है, जिससे कि जो दुनिया के कमजोर देश हैं या फिर जो ऐसे राष्ट्र हैं जो अभी विकासशील हैं, ठीक है, उनके नजरों में भारत की महत्ता बढ़ती है। वनस्पति की चाइना, चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें आपको मालूम ही है कि वो इंक्रोचमेंट और जो है एक तरीके से इलीगल जो एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है उनकी, विस्तारवादी नीति है, ठीक है। जैसे आप साउथ चाइना सी में देखो, वो जो भी उस वहाँ के जो कंट्रीज हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश में लगा रहता है चाइना, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से जो इंडिया का पंचशील का सिद्धांत है हमारा, जो हमने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में भी एडॉप्ट किया है, ये एक तरीके से ज्यादा एक लुभावना तो नहीं कहेंगे इसको, एक विश्वसनीय, ठीक है, दृष्टिकोण दर्शाता है जो भारत के प्रति जो और देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं जो पीस में पीसफुल डेवलपमेंट एंड रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उनके लिए इंडिया एक तरीके से अट्रैक्टिव है और सॉफ्ट पावर में इंडिया इसका प्रयोग कर सकता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टेब्लिश इंडिया एज एन इक्वल पार्टनर एंड रिलायबल नेबर टू द कंट्री लाइक चाइना। अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो चाइना के साथ तो हम जो है एक बराबरी के भागीदार बन सकते हैं, ठीक है, एक भरोसेमंद पड़ोसी बन सकते हैं चाइना के जैसे देशों के लिए, पाकिस्तान के जैसे देशों के लिए भी आप कह सकते हो। पंचशील के सिद्धांत के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि भारत जो है चाइना और पाकिस्तान का एक विश्वसनीय पड़ोसी बन सकता है, क्योंकि भारत अपने आदर्शों को अच्छे से अनुसरण करता है, उनका फॉलो करता है, ठीक है। हमारे जो अगर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें तो उसमें भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं। पंचशील इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बेसिक टीनेट्स ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन द टू सॉवरेन कंट्रीज। दो संप्रभु देशों के बीच में जो एंगेजमेंट होगा उसके लिए एक तरीके से एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जो कि काफी महत्व रखता है। और एंड विथ स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ द टाइम, इट इज इक्वली रिलीवेंट फॉर ऑल टाइम्स। और इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो है सभी हमेशा जो है उतना ही प्रासंगिक रहेगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू सेंड मैसेज टू द वर्ल्ड। दुनिया में एक मैसेज पहुंचाने के लिए इसका काफी महत्व है, दैट इंडिया इज अ मेच्योर डेमोक्रेसी। भारत क्या है, एक परिपक्व लोकतंत्र है, ये मैसेज दुनिया में जाएगा। और भारत एक क्या है, आक्रामक देश नहीं है, जैसा हमने बात किया था कि सॉफ्ट पावर के लिए इंडिया के लिए पंचशील का प्रयोग काफी अच्छा रहेगा, काफी सुविधाजनक रहेगा इंडिया के लिए। जैसे अगर बात करें हम अफ्रीकी कंट्रीज की, तो अफ्रीका में जिस तरीके के चाइना की का निवेश है वो क्या है, एक तरीके से वो उनको एक जाल में फंसाने का है। आप BRI की बात करते हैं, BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या है कि चाइना कंसेशनल लोन देता है, ठीक है, और वो लोन ना पे करने पर उन कंट्रीज का क्या करता है, शोषण करता है उनका, उनको जो है बार्गेनिंग करता है। जैसे श्रीलंका को देख लो आप, श्रीलंका
अभी क्या है, उसके पास अपने देश की जो खाने की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए भी श्रीलंका के पास ऐसे पैसे नहीं बचे हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से इंडिया का जो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और जो नॉन इंटरफेरेंस है, ठीक है, नॉन एग्रेशन की जो हमारे आदर्श हैं वो आज के लिए काफी रिलेवेंस रखते हैं। एंड पंसील इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रेटर रोल एट द ग्लोबल लेवल फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी। अब जैसे कि अगर सारे देश पंसील के सिद्धांतों को फॉलो करें, सपोज दैट, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो मतलब जिनका इंटरेस्ट ही उससे नहीं सधेगा, जैसे पाकिस्तान को ले लो आप, ठीक है, तो क्या होगा कि एक रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग काफी तेजी से बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी होगी, ठीक है, एक मतलब कनेक्टिविटी भी एनहेंस हो जाएगी। जैसे इंडिया के सामने कनेक्टिविटी को लेकर जो भी समस्याएं होती हैं वो तरीके से दूर ही हो जाएंगी। जो रीजनल कोऑपरेशन होगा, आप एक दूसरे की सीमाओं का आदर करेंगे, एक दूसरे का सॉवरेंटी संप्रभुता का आदर करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे आंतरिक मामलों में, ठीक है, आक्रामक नीति नहीं अपनाएंगे, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट पे चलेंगे, तो कोऑपरेशन ही बढ़ेगा इससे। तो इस दृष्टिकोण से तो पंचशील आज भी उतना ही रिलेवेंस है। तो ये हमने देखा पंचशील जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का आधार है। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम जो है इवोल्यूशन पार्ट टू देखेंगे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इवोल्यूशन का पार्ट टू देखेंगे, जिसमें हम नैम की चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका जवाब 24 घंटे के भीतर दूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।